नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर में आपके परिजन, आपके माता पिता बहुत ही सुख और शांति से होंगे। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऐशो संजय पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच में आपकी सपनों की समस्याओं का हल लेकर के। तो आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में, वह है सपने में भोजन करते हुए देखना, खुद को भोजन करते हुए देखना या किसी और को भोजन करते हुए देखना। तो ये तो हमारा रेगुलर रूटीन है, रोज हम दिन में 2 से 3 बार हम खाते ही हैं, क्योंकि बिना भोजन के हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा कि अगर यही चीज़ अगर आपको सपने में दिखाई दे, तो यहाँ पर मैं आपको इसके जो मीनिंग है बताऊंगा कि सबसे पहले साइकोलॉजिकली बताऊंगा कि जैसे कि साइकोलॉजिकली अगर आप सपना देखते हैं, तो यह सपना जो होता है यह आपकी चीज़ों को दिखाता है जब ये आप रेगुलर कर रहे हैं। इसका कोई ज़्यादा खास मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर कोई सपना बार बार आता है, एक से अधिक बार या बार बार दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें सचेत होना चाहिए कि यह सपना हमसे जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। और यह सपना जो है अपना चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, कुछ ना कुछ आपको इसका छाप जरूर छोड़ कर जाएगा। तो दोस्तों, यदि ज्योतिष रूप से अगर बात करो, तो सपने में भोजन करना, खास करके अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ में आप भोजन कर रहे हैं या तो बहुत सारा लोग एक साथ में भोजन कर रहे हैं, तो यह एक बहुत ही शुभ सपना होता है या एक मानसिक जो तकलीफ होती है उसके दूर होने, मानसिक कष्ट के खत्म होने और आपके रोगों में मुक्ति की ओर इशारा करता है। यदि कोई जातक, खास करके महिला अगर सपना देखती है खुद को भोजन करते हुए, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है। यह संकेत बताता है कि लक्ष्मी माता की कृपा उस पर बनी रहेगी और उसको लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि कोई जातक अगर सपने में, पुरुष अगर सपने में देखता है खुद को भोजन करते हुए, तो बहुत ही अच्छा सपना होता है उसके लिए। यह सपना उसको बताता है कि उसके घर में लक्ष्मी के आयोग योग बनेंगे और यहाँ पर उस जातक को खास करके लक्ष्मी माता की पूजा पाठ और आराधना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूजा पाठ करने से घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है और एक आपको एक खुशनुमा माहौल दिखाई देता है। आपके पास से निगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है, आप अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। तो मिलते हैं एक नए सपने की सीरीज में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।